ये पहन के ओ मधु आई लव यू गाना डांस किया था हमको पूरा याद है ये क्यों ये गाइस फाइनल द केवी 05 नाचो भी आई लव जय हो चुका है मैं तो बोल नहीं सकती थी यार जय माँ शक्ति पूरा शक्ति दे रहे हैं ये रियल में तो भूटान का राजा को नहीं देख पाया लेकिन पैसा में देख सकता आप लोग ये भूटानी पैसा 50 रुपया ठीक है टाइजर देख सकते ये है जयगांव इंडो भूटान का गेट गाइस लो फिर हम आ गए और एक नया वीडियो लेकर सो गाइस यार आज हम जा रहे हैं रॉक लामा को मिलने के लिए जो कि बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया ना कि देसी ब्लॉगर को तो मिल लिया अब रॉक से मिलो तो फाइनली गाइस रॉक को मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारे को कौन लेके जा रहा पता है उनका बात करेगा तो बहुत पहले 7-8 महीना पहले हमने साइकिल राइड किया था जब नेपाल दार्जिलिंग सिक्किम तब भाई हम लोग को रास्ता पे मिला था ठीक है तो तब से हम लोग जान पहचान हुआ दोस्ती हुआ सो हमारा भाई को देख सकते हैं यहाँ पे हेलो भाई रोहन भाई रोहन भाई को मिल चुका है तो रोहन भाई से अभी 7-8 महीना बाद मिलना हो रहा है तो रेंडम हम लोग का मीटअप था रेंडमली भाई ने हम लोग को रुका के बात किया वीडियो बनाया था जब साइकिल हम लोग लेके जा रहा था तो आज 7 महीना बाद फिर से भाई को मिल रहा है बहुत ही मजा आ रहा है यार सो भाई अभी लेके जा रहा हम लोग को हमको मतलब रॉक लामा से मिलने के लिए सो रॉक लामा से मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं क्योंकि कुछ भी कंफर्मेशन नहीं अगर रॉक से नहीं मिलने से भी हम लोग उनका मम्मी लोग से मिलेगा सो अभी निकलता गाइस ये मतलब खोपचों में आके हम लोग वीडियो क्यों बना रहा बोलने से ऊपर में पूरा धूप है ठीक है तो धूप के कारण से हम लोग नीचे में आके वीडियो बना रहा है सो निकलता है ना गाइस यार बाहर का वेदर चेक करो और यहाँ पे हमारा भाई का बाइक ठीक है तो अभी निकलेगा यहाँ से चुरा के दिल मेरा गोरिया चली उड़ा के निंदी तो भैया गाइस यार अभी हम लोग दलसिंह पाड़ा पहुंच चुका है तो यहाँ से और 10-15 मिनट लगेंगे ना रॉक का तो भाई पूरा गाइड करके लेके जा रहा हूँ मेरे तो कुछ भी आइडिया नहीं है और ये सीन चेक करो गाइस दलसिंह पाड़ा का व्यू मस्त लग रहा है ब्रो मजा आ रहा है गाइस तो लेट्स सी गाइस क्या होता आज है ना ये मेरा दिल चीख जाए क्यों गए गाइस यार यहाँ पे हमारा रोहन भाई लाइक फ़ोन करके मतलब कंफर्मेशन ले रहा है कि कौन सा महिला लाइन ही बोलता है रॉक का घर जाने वाला रास्ता लेकिन हम लोग कौन सा रास्ता से जाना हम लोग को भी पता नहीं ठीक है सो फ़ोन करके रास्ता कंफर्मेशन कर रहा है उसके बाद आज देखता है गाइस रॉक से मिल पाएगा या तो उनका फैमिली से लेकिन बहुत एक्साइटेड है गाइस तो लेट्स सी क्या होगा टीटी हूँ गाइस यार अभी हम लोग कंफर्म हो गया महिला लाइन होके जा रहा हम लोग रोहन भाई और हम ठीक है रोहन भाई ने अपना दीदी उदी भैया हुए हैं सबको फ़ोन करके कंफर्म कर लिया लेकिन गाइस रॉक जो बोलता था ना कि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है रास्ता बहुत ख़राब है हमारा घर जाने वाला सही में यार इतना ज़्यादा रास्ता मतलब घट 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 नहीं रास्ता ओए ये कालबाट हुआ ये पुल है छोटा सा पुल यहाँ पे रॉक और प्रेम मिलके एक वीडियो बनाया था तो गाइस यार हम लोग पूछ ही गया जैसा लग रहा है रे ये देखो ये चाय बागान है रॉक लोग का घर का उधर का चाय सुंदर गाइस क्या ही बोलो सही में पूछने वाला रॉक होगा तो मजा आ जाएगा यार अगर रॉक नहीं होगा तो थोड़ा सा निराशा होगा दिल में है ना तो गाइज यार देख सकते हैं रॉक भाई का घर का बाहर हम और ये स्कूटी देख सकते हैं एंटॉर्क जो कि उनका मम्मी पापा को गिफ्ट किया था तो अंदर जाता गाइज बहुत दुखी बढ़ रहा है मेरा क्या ही बताऊँ तो गाइज यार फाइनली सपना था पूरा हो चुका है ठीक है रॉक से नहीं मिला लेकिन उनका मम्मी पापा से मिल लिया सो अभी थोड़ा बाद में हम लोग यहाँ से निकलेगा और गाइज देख सकता है रॉक भाई का घर जहाँ से रॉक भाई हमेशा वीडियो बनाता था और ऐसा होता है ना कि गाइस सपना जो होता है वो एक ना एक दिन पूरा होता है वो भले आज रॉक से नहीं मिला लेकिन एक दिन फिर हम मिलेंगे ना क्या बोलते हो मिलेंगे ना घर पहुंच गया तो अब मिलना तो होते रहेगा और ये रास्ता है जहाँ से रॉक भाई अपना बाइक निकालता है और यहीं पे स्टैंड करता है और उनका मम्मी ने पूरा यहाँ पे रॉक भाई का कपड़ा सुखा के रखा हुआ पूरा ढूढ़ी पोर्चा बन गया तो सुखा गए गाइस ये देखो गाइस वहाँ पे आंटी जब बगान सफा करते हैं ना तब रॉक भाई जाके वीडियो बनाता है तो हम उनको फॉलो करते हैं ना तो सारा का सारा चीज़ पता है टीटी तो भैया गाइस यार इतना खुशी है ना आज हम क्या ही बताऊँ आप लोग को ये चेक करो गाइस रॉक का घर में रॉक भाई का घर में रॉक दोस्त का घर में हम लोग उनके मम्मी का हाथों का सब्जी यहाँ पे रोटी कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है ना
ये देखो गाइस, ठंडा ठंडा पानी और हमारा अंकल जी आगे में। अंकल जी को क्या ही बताऊं, जब भी अंकल जी वीडियो में रॉक का वीडियो में आके बोलता है ना कि दो लाइन, वो दो लाइन ही मतलब चार चांद लगा देता है। सो गाइस यार, थोड़ा बाद में बढ़िया से अंकल के साथ बात कराएगा, ठीक है? ज़्यादा क्लिप नहीं लेगा, बस लास्ट दो बात करके हम फिर यहाँ से निकल जाएगा, जयगांव भी घूमने जाना है। लास्ट में अंकल बढ़िया से आपका साथ पहले पेट पूजा है कि नहीं अंकल? भाई आसाम से आया, हम लोग को खुश लगा, अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी कर रहा है। ठीक है अंकल का, ठीक है कौस्तर अंकल, देखो भाई अंकल को भी पता है, ठीक है? और थोड़ा बाद में आप लोग से बात करेंगे गाइस। रॉक भाई के मम्मी के हाथों में जो रोटी और सब्जी है ना, कसम गाइस अल्टीमेट। सपना था आज पूरा हो गया, 2 साल जस्ट पहले। तो भैया गाइस यार, रॉक भाई का घर में पूरा लंच भी इधर हो गया, ब्रेकफास्ट भी इधर हो गया, और आंटी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्यारा सा रॉक भाई का कपड़ा पूरा सुखा रहा है, ठीक है? और पड़ी रहे तो घाम दिखाना पड़ेगा इसको, तो ठंडा महीना में लगाता है ना ये पहन के। ओ मधु आई लव यू गाना में डांस किया था, हमको पूरा याद है। और हमारा अंकल जी वहाँ पे है, ठीक है? सो रॉक भाई से नहीं मिला, कोई बड़ा बात नहीं है, उनका मम्मी पापा से मिल गया, क्योंकि मम्मी ने जो शेर को जन्म दिया, मतलब शेरी है भाई, मतलब जैसे रॉक भाई ने बोला था यूके का पापा को कि आपने शेर जन्म किया बोल के, तो आंटी को हमें एक ही चीज बोलना चाहता, हमारा रॉक भाई भी शेर से कम नहीं है, आपने जिसको पैदा किया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, और फैमिली ले वाचा नहीं स्ट्रॉन्ग है, कांची तिम्रो रैग 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 डैग 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 वंचन नहीं, त्यस्त खुशी पार्छन सबैलाई। अंत अंकल हल्का यता आउनु न, अंकल पनि हो, अंकल पनि यता हुनुहुन्छ हो, धेरै राम्रो लाग्यो भाई। हम लोग का भाई आसाम से आए, अभी हम लोग का घर में आए, हम लोग को खुशी लगा, हम लोग से मिला, अभी बेटा से तो मिलने नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है? भाई को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? अगर नए है तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। गाइस ये हम सोचा ही नहीं था गाइस कि आंटी अंकल लोग टीट्यू बोलेगा बोल के, ठीक है? ये एक सीन होल्ड कर दे ना, भाई को भेजिए ऐसे टाइम में सब पहले। यार रॉक भाई से तो नहीं मिल पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे, उससे पहले शायद असम में मिल पाएगा, तो असम में रॉक भाई आएंगे तो दिल से वेलकम करेंगे और असम का प्यार उनको दिखाएंगे। सो रॉक भाई नहीं है, लेकिन रॉक भाई का पप्पा है, और पप्पा जी ने जो सपोर्ट किया रॉक को, और रॉक ने जो करके दिखाया वो नेक्स्ट लेवल है, तो पप्पा जी को असम इस गाम से देके हम मतलब असम का प्यार देना चाहता है अंकल। थैंक यू भाई, और फिर आएंगे हम, ठीक है? जरूर फिर आएंगे, रॉक भाई के साथ राइड भी मारेंगे। सो लास्टली अंकल आंटी के भन्छ अरे म अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अंकल आंटी से मिला खाना, और अंकल आंटी ले यो मिठो यो दामी रोटी खुवाउनु भयो नि, यत्रो दिन सिक्किम दार्जिलिङ घुमे हो, घरको जस्तो खाना चाहिँ पाएको थिएन, रकले धेरै मिठो मिठो भन्दै खान्थे, साँच्चैको मिठो हुँदो रहेछ है गाइस, मैले आज टेस्ट गरेँ। सो अंकल आंटी जाने हो, बाई बाई होइन, फेरि भेट हुन्छ, अब यसै मेहनत गर्दै रहेन, ठीक है? ओके, कभी भी पछि मत हट्ना, कोही भी कोच भी बोले, लेकिन अपना काम तुम अच्छा से करते जाओ, प्यार करते रहेगा, ठीक है? ओके आंटी जाने ल, ओके बाय बाय, टिट्यू फेरि टिट्यू आंटी, बाय बाय, रामरी बस दई गाइस। देखो यार इतना ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा अच्छा लगा भाई, उनका कैसा लगा उनका मम्मी एकदम, इतना बहुत इतना अंकल आंटी इतना फैमिली था कि मत बोलो यार, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या सी है, रॉक लामा को मिल पाता हम लोग, लेकिन नहीं मिले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और नेक्स्ट टाइम जरूर मिल के जाएंगे। यस यस, अब तो एक घर वाला रिश्ता बन गया है ना गाइस, यार बोलता है ना कि आप अच्छा कर्म करो आपका साथ भी अच्छा होगा, है ना? और जो बुरा कर्म करेगा उसका साथ बुरा ही होगा। शायद भगवान भी चाहता था कि हम रॉक का घर जाए, उनका मम्मी पापा से मिले, है ना? सो नेक्स्ट टाइम हम जरूर रॉक से मिलेंगे, इस बार नहीं मिल पाया बट दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उनका मम्मी पापा से मिल गया तो उससे बड़ा चीज मेरे लिए क्या हो सकता है कि नहीं दोस्त? हाँ एकदम, बहुत एकदम। तो रॉक भाई आपको बहुत मिस कर रहा है यार, कसम तुमने खतरा मिस कर देती हो। नेक्स्ट टाइम आउने हो, अनि तिमी आसाम राइड आयो भने चाहिँ हो हाम्रो तरफबाट एकदम वार्म वेलकम हुन्छ आसाममा, कसम भनेको साथी लस होइन, राखौँ हो भिडियो एकदम। अब जयगाउँ घुम्न जाने गाइस, अब गाइस हम लोग जयगाउँ घुम्ने जा रहा है,
रोहन भाई के साथ, और रोहन भाई को आज इतना हंसाएगा रोहन भाई ने, सोची ना होगी गाइस। तो भैया गाइस यार अभी हम है जयगांव में, ठीक है। रोकलामा का घर से निकलने का बाद अभी हम लोग जयगांव घूम रहा है, और साइड ये जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी रोकलामा डांस करता था, ठीक है, पब्लिक डांस वीडियो बनाता था। तो गाइस मजा आ रहा है, जयगांव भी घूम लिया, रोक का घर भी जाके आ गया। ओ हो क्या ही बताऊं, ये वो ये रॉन्ग साइड आया ला, ओई इतना बड़ा चीज, ओई हां के गलत भी बिना ना। तो भैया अभी हमारा थोड़ा होगा बजट से, हमें चालान होना था, हम लोग वन वे में घुस गया था, ठीक है, उस साइड वाला रोड हम लोग चला गया था, हम लोग इस साइड आना था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हुए नया जगह में है कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कंफ्यूजन होते रहेगा, लेकिन हमारा भाई को कोई पकड़ नहीं सकता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरी जान। भूटान गेट, अभी हम लोग भूटान गेट पहुंचने वाले हैं, ऐसा है ना। ओके गाइस अभी हम लोग इंडो भूटान गेट दिखाएगा आप लोग को, ठीक है। तो गाइस यार अभी हम लोग हैं जयगांव इंडो भूटान के फ्रंट साइड में, और हमारा भाई का वजह से ये पॉसिबल हो पाया, रॉक भाई से तो नहीं मिल पाया, इनका घर जाके आया, अब हम लोग इंडो भूटान के गेट के आगे हैं। नहीं कैसा लग रहा है? एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ये जो फील है, जो फील है जो आप लोग को विजिट करने से जो फील हो ना, वो महसूस करना मिलता है, जो हम लोग देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मोस्ट विजिट कीजिए। मेरा भाई था वो आसाम से आया, मैं बोला उसको चलो भाई विजिट करते, मैं घुमाऊंगा आपको, इसलिए मैं दिखाया, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग घूमने जाएंगे, हाँ, और हम लोग अभी जयगांव का व्यू पॉइंट जाएंगे, डाड़ा गाँव बोलता है उसको। भैया गाइस यार देख सकते हैं, ये है जयगांव इंडो भूटान का गेट, यहाँ से आप एंटर करोगे तो सीधा भूटान आप एंटर कर लोगे, ठीक है। सो ये हमारा जयगांव, और ये है भूटान गेट। ओ भाई साहब क्या ही बताऊं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तेरे बिना यहां मेरी सांसें जैसे बिना नींद। तो गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुका है आई लव जयगांव का वेलकम गेट, ठीक है, ये देख सकते हैं। और गाइस रॉक का घर भी जाना हुआ, और आज आई लव जयगांव भी आना हुआ, भाई एक ही दिन में दो दो काम, भयंकर, मतलब क्या ही बताऊं आप लोग को। यहीं पे आके रोकलामा वीडियो बनाता था, तो आज गाइस हम भी है आई लव जयगांव में, और क्या ही बताऊं आप लोगों को, दिल खुश हो रहा है। पहले तो मुंह धुला लेगा यार, गर्मी से फटके चार हो चुका है मेरा, तो उसके बाद आप लोग आई लव जयगांव सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। टिटी हूँ कसम से गाइस, इतना ज़्यादा गर्मी है ना, हम लोगों का चेहरा में देख सकता है पानी कितना है। पहले तो हम लोग कुल्फी खा लेते हैं, उसके बाद मतलब बोल नहीं सके कुछ नहीं यार, खाने के बाद थोड़ा डांस वांस करेंगे, थोड़ा रील्स बनाएंगे उसके बाद आप लोग को जयगांव का पूरा नज़ारा दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से व्यू जो दिखाई देते ना, वो अल्टीमेट कस्तो खतरा नहीं तो भैया गाइस यार ये वाला नजारा चेक करो, पूरा जयगांव यहाँ से दिखाई देता भाई, ये चेक करो, आई लव जयगांव गाइस। फाइनली द KV05 नाचो भी आई लव जयगांव पहुंच चुका है, और ये आई लव जयगांव से जो नीचे का नजारा है ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है यार। ये गाइस सारा का सारा पूरा का पूरा जयगांव यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ये व्यू पॉइंट से पूरा जयगांव दिखाई देता है, और वो वाला पहाड़ जो है उस तरफ में भूटान है, ठीक है। गाइस यार गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई सनलाइट है, इसलिए वीडियो का क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते आई लव जयगांव, और गाइस यार बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के, है ना, रॉक भाई का घर गया, उनका मम्मी पापा से मिला, उनका मम्मी पापा ने जो रेस्पेक्ट दिया हमारे को, मतलब इतना प्यार है ना, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि उनका घर में जाके हम पहले तो क्या बोलेगा, है ना, किस तरीक़े से हम बात करेगा, लेकिन आंटी जी ने हम लोग को बाहर में देख लिया, तो भाई कहाँ जा रहा बोला, ठीक है, जितना सामने आंटी जी आते गया उतना हमको गौर से देखते गया, ठीक है। तो बोला अरे भाई सिक्किम से कब आया, बोला सिक्किम में पब्लिक डांस वीडियो बना के घूम रहा था, हम तो इतना जल्दी आएगा सोचा नहीं था, रॉक तो अभी तक नहीं आया बोला उनका मम्मी, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, रॉक भाई से बाद में मिल लेंगे, उनका मम्मी पापा से मिला वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है ना। तो मम्मी जी ने हमारे को मतलब रोटी बना के इतना मजा से खिलाया ना गाइस, ये सोची ना थी मैंने यार, और थैंक यू सो मच मम्मी पापा जी, है ना, इतना प्यार देने के लिए, इतनी धेरै माया दिनु भयो आज, है ना, घर में तपाईले आफ्नो हातले रोटी बनाएर खुवाउनु भयो हामीलाई, मम्मी कसम भनेको यति राम्रो लाग्यो, मैले सोचेको थिएन हजुरहरू पनि मेरो भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ भनेर, हो वहाँ गएर तपाईँले जुन भिडियोमा माया दिनुभयो, प्लस तपाईँहरूको घरमा पनि जुन मलाई माया दिनुभयो, मैले त्यति चाहिँ सोचेर गएको थिएन, तर कसम बोल्दा गाइस रक भाइ जित्न अच्छा होइन, उनका मम्मी पापा ओ माई गड क्या ही बताऊँ, मेरो साथ लभ्स नै है, वो जो रेस्पेक्ट हमको मिला ना उनको घरमा,
वो शायद क्या ही बताऊँ, समझने वाला समझ लेता है ना। टिटी हूँ गाइस यार, यहाँ पे देख सकता है बुद्ध भगवान के स्टेचू, क्या ही प्यारा सा। ठीक है तो गाइस यार आई एम सॉरी बट आज हम ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, ये गर्मी कति मुख धुनू यार, मतलब तो भैया गाइस यार हम लोग जयगांव घूमने आया था। ठीक है तो एक भाई को ये फ़ोन मिल गया, तो हम लोग तो अभी थोड़ा बिजी है तो भाई को ये फ़ोन दे देता। ठीक है तो भाई शायद वो लोग को दे देगा, ये दे देना भाई, भाई ये फ़ोन दे देना उसको। तो ये भाई का हाथ में हम लोग हैंड ओवर कर दिया है, वो भाई जिसका भी फ़ोन है उसको दे देगा। ठीक है सो यहाँ से नज़ारा चेक करो गाइस, क्या ही मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा भाई साहब। ये चेक करो गाइस गुम्बा, यहाँ पे छोटा सा गुम्बा जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो गाइस, वाव वाव। मोबाइल था ठीक है, अंकल जी भूल गया था, और बस में चढ़ा ला इंसान भी उतर के आया, पूरा पूरा सांस फूल चुका है। तो ओ भाई मोबाइल दे, आया पूरा थक गया ना। इधर में पानी है तो अंकल, पानी का पीने पानी। पानी। बच गया वहाँ पे, हम वो भाई देख लिया, हम लोग को बताया इसीलिए मिल गया। ये इनका दे दो। तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वास। सम गाइस पहले से हम ढूंढ रहा था कि गन्ना का जूस कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो भैया के यहाँ पे गर्मी इतना ज्यादा है, क्या बोलते हो भाई? भाई गर्मी से हालात खराब हो गया, गन्ने का जूस खा के थोड़ा एनर्जी मिलेगा, मिलना पड़ेगा नहीं तो फिर, नहीं तो एशियन हाईवे हम लोग नहीं जा पाएगा, इधर ही हम लोग क्या बोलता है पलट जाएगा ना, क्या बोलते भैया, ये खाएंगे तो हो जाएगा एनर्जी आ जाएगा ना। जय माँ शक्ति, पूरा शक्ति दे रहे हैं ये गन्ना का जूस पी के, मजा आ गया। गाइस यार रियल में तो भूटान का राजा को नहीं देख पाए, लेकिन पैसा में देख सकता आप लोग, ये भूटानीज पैसा 50 रुपये। ठीक है आगे में तेल भराएगा तो चल जाएगा, नहीं तो हम लोग का असम में नहीं चलेगा भूटान का पैसा। टीटी हूँ तो गाइस यार अभी हम लोग हैं एशियन हाईवे में। ठीक है ये देख सकते बड़ा बड़ा गाड़ी सब भूटान जाने के लिए यहाँ पे रुका हुआ है। और भाई ये जगह को मैं वीडियो में देखता था यार, रॉक का वीडियो में लाई है ना, अलग अलग यूट्यूबर का वीडियो में, लेकिन KV05 आज इस हाईवे में रोहन भाई के साथ उनका बाइक में सवारी कर रहा है भाई। और वो जो आगे ना गाइस पहाड़ दिखाई दे रहा है वो है भूटान। ठीक है तो गाइस यार ये जितना भी पीछे आप लोग गाड़ी देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा भूटान जाने के लिए रुका हुआ है भाई। देखो हम लोग कैसे गाड़ी है, बीचों बीच से हम लोग जा रहा है, वो भाई मजा आ रहा है यार, तो मुंह में जैसा हो गया। हाँ मोबाइल हाथ थोड़ा इधर करेगा तो वो हो जाएगा, फिर मोबाइल ही टूट जाएगा। टिटी हूँ, टिटी हूँ गाइस यार अभी। तो गाइस यार अभी हम लोग एशियन हाईवे जो कि भूटान जाता है, बड़ा बड़ा गाड़ी सब। ठीक है यहाँ पे एक दो रील बनाया, लेकिन गाइस इतना ज़्यादा गर्मी है ना, पूरा हालत पंचर हो चुका है, और ये भाई का भी हालत खत्म हो चुका है। हालत तो बहुत खराब हो गया, खराब मतलब क्या बोले, क्या बोलो, बोलने के लफ्ज नहीं। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं गाइस, ये देखो कितना पसीना निकल रहा है। ठीक है अभी घर जाता है। सो गाइस यार आज का वीडियो कितने में एंड करता है, आप लोग जरा से भी अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गाइस टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद जय गोरखा जय अखो, मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिर से हम आएंगे जयगांव, और नेक्स्ट टाइम रॉक भाई से जरूर मिलेंगे और ये भाई को लेके आएंगे। ठीक है थैंक यू सो मच टिटी हूँ गाइस, टिटी हूँ, टिटी हूँ, ओके टिटी हूँ गाइस।